हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम वापस से देखेंगे मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के ऊपर। हम दो पॉइंट के ऊपर इम्पोर्टेंट डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट रहेगा अपने पास इंट्राडे के लिए हम क्या कर सकते हैं अगले ट्रेडिंग डे में, एंड दूसरा पॉइंट रहेगा हमारे पास स्विंग ट्रेडिंग या 3 से 5 दिन के अंदर क्या मूवमेंट्स हो सकते हैं, किस तरीके के पैटर्न देखने को मिल रहे हैं, तो उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को कंप्लीट बिल्कुल देखिएगा जिससे आपको कुछ समझ में आए। थोड़ा सा वीडियो देखने से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, पूरा वीडियो को देखिए जिससे आप कुछ समझ सकें। चलेंगे हम आगे देखते हैं। आप सभी को पिछले वीडियोस में मैंने क्लियर बताया था, अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है, देखने को मिल रहा है चार्ट के ऊपर। जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू डाउन ट्रेंड था, एक प्रॉपर चैनल में देखिए चल रहा था पिछले काफी दिनों से। 2 से 2.5 मंथ का जो डाटा है पिछला, वह कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में था। इसके बाद यहाँ पे देखिए एक छोटा सा बाउंस देखने को मिला है, यहाँ पे एक छोटा सा बाउंस हमें देखने को मिला था, या अप ट्रेंड सा एक लग रहा था कि हो सकता है कंटिन्यू अप ट्रेंड में, क्योंकि कंटिन्यू डाउन ट्रेंड था। डाउन ट्रेंड के बाद कहीं ना कहीं अप ट्रेंड आना ही है, छोटा सा या बड़ा सा जितना भी आए एक अप ट्रेंड आना है। इसके बाद वापस से कंटिन्यू करेगा तो डाउन ट्रेंड आएगा, या तो यह कंटिन्यू अप ट्रेंड होगा। दो ही चीजें हैं अपने पास, यह वापस अप ट्रेंड होगा या छोटा अप ट्रेंड आने के बाद फिर से कंटिन्यू करेगा डाउन ट्रेंड को अपना। तो अभी का जो सिनेरियो देखने को मिल रहा है वापस से हमें, वह डाउन ट्रेंड का दिख रहा है। आप देख सकते हैं डे के टाइम फ्रेम में, यहाँ पे देखिए इस पॉइंट से लेके यह कंटिन्यू अप जाते हुए हमें देखने को मिल रहा था, ऊपर साइड जाते हुए इसके प्राइस में मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा था। लेकिन आज का जो कैंडल है वह कंटिन्यू वापस से इसके ट्रेंड को चेंज करते हुए हमें देखने को मिल रहा है। आज का प्रॉपर इंडिकेट नहीं कर पा रहा है कि चेंज हो गया डायरेक्शन इसका, वापस से डाउन ट्रेंड हो गया है। लेकिन अगर कल के दिन में आज के लो के नीचे क्लोजिंग मिल जाता है तब आप समझ जाइए वापस से कंटिन्यू डाउन ट्रेंड आ गया, और डाउन ट्रेंड हमारा 6400 या 6300 का जो लेवल दिख रहा है अपने सपोर्ट में वहां तक आना चाहिए। ये प्राइस इंपॉर्टेंट लग रहा है हमारे लिए, कल का क्लोजिंग ध्यान रहे, आज के लो के नीचे रहना चाहिए, मतलब 6756 रुपए के नीचे अगर क्लोज हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट ट्रेडिंग डे का कैंडल, तब हम कह सकते हैं कि यह कंटिन्यू कर रहा अपने ट्रेंड को, डाउन ट्रेंड में आ चुका है अब। तो इसी बात को मैं ध्यान में रखते हुए कुछ लेवल यहाँ पे प्रोवाइड कराने का प्रयास किया हुआ है। हम सेल करके जा सकते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में इस स्टॉक्स को वापस से। मैं यहाँ पे लेवल प्रोवाइड करा दिया हूँ आपको समझने में जिससे आसानी हो। 6750 रुपए के नीचे आता है तो हम इसको सेल करके जा सकते हैं आज के लो के नीचे, ध्यान रहे। हमारे पास पहला टारगेट रहेगा, जिस तरीके से हम मैनेज करते हैं अपने रिस्क रिवार्ड को उसी तरीके से हम टारगेट को मेंशन रख रहे हैं। 1:2 के रिस्क रिवार्ड पे हम काम करते हैं, तो हमारा पहला टारगेट इसके अनुसार 6700 का है, और उसके नीचे दूसरा टारगेट 6650 रुपए का। स्टॉप लॉस हमारा ऊपर का 50 पॉइंट का है, तो 6800 रुपए का ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये हो गया दोस्तों इंट्राडे के लिए लेवल नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए, क्योंकि यहाँ पे आज का जो कैंडल दिख रहा हमें देखने को मिल रहा है वह प्रॉपर एक संकेत ले आया है नेगेटिव का, और डाउन ट्रेंड जैसा सिनेरियो हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि ऊपर से देखिए ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट लेते हुए चढ़ रहा था ऊपर की ओर इसका प्राइस, उसको आज इसने ब्रेक करके क्लोजिंग हमें नीचे देखने को मिल रहा है इसके। कल हो सकता है इसी आसपास घूम जाए, लेकिन अगर कंटिन्यू कहीं गलती से हो जाता है बाई चांस, तब फिर समझिए यह डाउनफॉल आ गया। और जो भी सी लेके रखे हैं वे तो प्रॉपर एग्जिट ही कर जाएंगे, क्योंकि उनका स्टॉप लॉस यहाँ है 6730 रुपए के अराउंड में। तो जो भी सी लेके रखे हैं वे एग्जिट कर जाएंगे, स्टॉप लॉस अपना बुक कर लेंगे।
क्योंकि मार्केट में स्टॉप लॉस होना बहुत जरूरी है। स्टॉप लॉस नहीं होगा तो आप गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे। आप क्वांटिटी कब बढ़ा देंगे आपको मालूम ही नहीं चलेगा, इसलिए स्टॉप लॉस होना भी बहुत जरूरी है मार्केट में, जिससे आप अपने रूल को फॉलो करते रहें प्रॉपर। और छोटा छोटा अमाउंट, छोटे छोटे पॉइंट्स कैप्चर होते हैं, वही प्रॉफिट है आपका। क्योंकि हर बार आप सही होंगे ऐसा कुछ नहीं है मार्केट में। आप जैसे सोचे कि आज ऊपर जाएगा मार्केट, वहीं से नीचे गिरा, ऐसा सबके साथ होता है, आप ही के साथ नहीं है। तो प्रॉपर यह कंटिन्यू करेगा अपने डाउन ट्रेंड को आज के लो के नीचे। तो इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमारा ये लेवल रहेगा नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए, इंट्राडे के लिए। ये इंट्राडे की बातें हो गई। अब हम देखते हैं स्विंग ट्रेडिंग या सीई या पीई हम ले सकते हैं कब, और सीई से कब एग्जिट करना है। ध्यान रहे यहाँ पे जो लेवल है 6730 और 6740, इस आसपास का क्लोजिंग हमें या इस आसपास के प्राइस को ब्रेक करते हुए देखने को मिले, तब हम सीई जो भी लेके रखे होंगे वह एग्जिट करना है। क्योंकि इसके बाद ऊपर का चांस कम लग रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ से कंटिन्यू डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड के बाद एक छोटा सा बाउंस बैक आप कह सकते हैं इसको देखने को मिल चुका है, और इसके बाद अगर यह कंटिन्यू करेगा तो फिर एक फॉल रहेगा बड़ा, और यह अपने पास जो नेक्स्ट सपोर्ट है वहां तक आना चाहिए, 6350 से 450 के बीच का जो है वहां, तो यहां तक आना चाहिए इस बार। अगर कंटिन्यू गिरता है तब, अभी भी प्रॉपर डिसीजन नहीं हुआ है कि यह ऊपर जाएगा कि नीचे। कल का कैंडल हमें बताएगा कि ऊपर जाएगा या नीचे। कल का कैंडल अगर आज के लो के नीचे क्लोजिंग मिल जाए तब हम जानेंगे या कहेंगे कि अब यह कंटिन्यू ट्रेंड चेंज हुआ और जाएगा नीचे, 400 पॉइंट नीचे गिरेगा, 6700 से 6350 या 450 इस आसपास आना चाहिए अब इसका प्राइस। तब यहाँ 300 से 400 पॉइंट का मूव हमें नीचे देखने को मिलेगा। कब? जब आज के लो के नीचे क्लोजिंग मिल जाए कल का कैंडल, तब 6756 रुपए के नीचे क्लोज मिल जाए कात कैंडल कल का, तब हम नेक्स्ट टारगेट देखेंगे वह नीचे का रहेगा। तब आप पी में एंटर कर सकते हैं 300 से 400 पॉइंट के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा अपने पास ऊपर का लेवल, यानी 100 से 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। तो इस तरीके से आप प्रॉपर सीई और पी दोनों को मैनेज करके चलेंगे स्विंग ट्रेड के रूप में, तो भी बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे भी देखिए स्टॉप लॉस का जो रेशियो है प्रॉफिट के अनुरूप वह फिक्स करना पड़ेगा आपको। हर बार सही नहीं रहेंगे, लेकिन जिस बार गलत होते हैं उस बार एक रुपये का लॉस दे दीजिए, और जिस बार सही होते हैं उस बार दो रुपये का कोशिश कीजिए प्रॉफिट बुक कर लीजिए। इसमें होगा ये कि आप 50-50 भी अगर सही गलत होते हैं तो भी आपका पोर्टफोलियो, आपका फंड बचा रहेगा और प्रॉफिट में रहेंगे छोटा सा। ऐसा तो नहीं है कि आप 10 बार में 5 बार फेल होंगे और 5 बार आपका डिसीजन सही होगा या आपका प्रिडिक्शन सही होगा। बहुत सारे टूल हैं अपने पास जिसका यूज करके आप एक्यूरेसी अपना बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वही है कि आप प्रॉपर मनी मैनेजमेंट रिस्क रिवार्ड मेंशन कर पा रहे हैं या नहीं। अगर यह आपका ठीक है तब आप 50-50 भी सही गलत होते हैं तो भी पैसा बना लेंगे मार्केट में, कोई बड़ी बात नहीं है पैसा बना पाना मार्केट से। काफ़ी लोग बना रहे हैं, बहुत सारे लोग बना रहे हैं और बहुत सारे लोग नहीं बना पा रहे हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से श्रेणी में रहना चाहते हैं। जो लोग बना रहे हैं उसके पास एक ही फॉर्मूला है, वे अपने नियम को प्रॉपर फॉलो करते हैं। लॉस है उस दिन लॉस लेके निकल जाते हैं, और प्रॉफिट के दिन थोड़ा सा वेट करते हैं और पिछले दिन के लॉस के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट लेते हैं। प्रॉफिट का यही राज है मार्केट के अंदर से, बाकी अलग कोई भी तरीका नहीं है जिससे आप पैसा बना सकते हैं। लॉस सबका होता है, कोई भी हो, आप जिसको भी देखे होंगे, जिसको भी जानते होंगे, उसका स्टॉप लॉस प्रॉपर होता ही है कभी ना कभी, भले आप उसको नहीं देख पाते हैं या वो नहीं दिखाता है। तो स्टॉप लॉस होना जरूरी है, स्टॉप लॉस होता ही है मार्केट में,
उस स्टॉप लॉस को लेना सीखिए, उस स्टॉप लॉस को मेंशन रखिए, उस स्टॉप लॉस को अपने ऊपर हावी ना होने दीजिए कि आज मेरे को 100 का लेना था तो 500 का स्टॉप लॉस ले लिया, इस तरीके से हावी ना होने दीजिए। वहां आपका प्रेडिक्शन आने वाले टाइम के लिए फिर खराब होने लगेगा। तो अभी अपने पास हमारा जो व्यू है वह वही है, कल का क्लोजिंग हम देखेंगे। आज के लो के नीचे अगर हमें देखने को मिलता है क्लोज, तब हम पी लेके जाएंगे पुट को यानी, या फ्यूचर सेल कर सकते हैं और स्टॉप लॉस आप अपने अनुसार मेंशन कर सकते हैं। और अगर क्लोजिंग नहीं मिला तब हम वेट करेंगे। अपने पास सीई जो लेके रखे हैं वे भी अभी एग्जिट नहीं करेंगे। एग्जिट कब करना है, कल के क्लोजिंग को देखने के बाद। अगर ये कंटिन्यू करता है, मैंने यहाँ प्राइस भी बता दिया है 6730 या 40 के बीच में आता है प्राइस, तो एग्जिट कर जाना है बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे। अगर आप वेट करते रह जाएंगे तो फिर आपका पैसा जीरो होने में समय नहीं लगेगा। तो जीरो होने तक वेट नहीं करना है, प्रॉपर रिस्क रिवार्ड मेंशन रखना है और प्रॉपर रिस्क रिवार्ड को फॉलो करना है। कितना लेना है लॉस, कितना प्रॉफिट चाहिए, ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए माइंड में, तब हम मार्केट से पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और हमारे द्वारा जो भी लेवल प्रोवाइड कराए जाते हैं वह ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होता है, न कि किसी को बाई या सेल करने की किसी भी प्रकार की कोई फाइनेंशियल एडवाइज होती है। तो इस बात को भी ध्यान रखें, आप बाई या सेल करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि हम आपके फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हैं। दोस्तों अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो लाइव मार्केट में कुछ अपडेट देखने को मिलते रहते हैं वहाँ पे, बिल्कुल जुड़ जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी है। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।